Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English spoken class. Friends, past perfect tense is finished. Now today I will start the future tense. And future indefinite tense will be the first tense of the future. Okay friends, let's start the class of the day. फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे क्लास से फ़ायदा हो रहा होगा, ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे, रोज़ का वीडियो देख रहे होंगे. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस मींस व्हाट? मैंने बेसिक में भी फ्यूचर के बताए थे, सेंटेंसेस टॉपिक बताया था मैंने, जैसे शैल बी विल बी का, या हर टॉपिक में जो भी स्टेप्स आते थे उसमें फ्यूचर तो आता ही है. तो फ्यूचर, किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, कन्वर्सेशनल वीडियो, जिसको देखकर आपको जरूर कुछ फायदा होता होगा. तो चलिए देखते हैं. When will you go to Mumbai, Viraj? I will go to Mumbai tomorrow. What is the matter, Anjali? Why do you want to know this? Just for nothing. I also have to go to Mumbai. I never gone to Mumbai. Why do you want to go? I have to go to see the Gateway of India. I will also see Gateway of India. I also want to go to Mumbai. Very nice. It will be great fun if you come with us. I have to buy some dress for New Year's. But when will you come back? Next day will come. Okay then, well, see you at station tomorrow morning. Okay. देखा फ्रेंड्स, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज से हम शुरू कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट. तो ये मैंने लिख रखा है मेकिंग फार्मूला ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसका पहचान का नियम बहुत ही सिंपल है. गा गे गी लास्ट में आता है, जब भी सेंटेंस के अंत में वर्ब के बाद यानी वर्ब के साथ गा गे गी, जैसे जाएगा, खाएगा, खेलेगा, खेलेंगे, खेलूंगा, वह पढ़ेगी, गी मीन्स गा गे गी रहे, तो समझ लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. और उसको बनाने का ये मेकिंग फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. शैल और विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अब ये नई बात नहीं रही आपके लिए अगर आप हमारे पीछे का वीडियो देखेंगे तो. शैल और विल मीन्स आई और वी को छोड़ के सबके साथ हम विल लगाते हैं और आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बट बोलचाल में हम सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके सेंटेंस को बनाते हैं फटाफट. वह कल मुंबई जाएगा, ही है इसलिए ही के साथ विल लगेगा. ही विल गो टू मुंबई टुमारो. मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आई है, आई के साथ शैल लगता है. आई शैल प्ले क्रिकेट. मेरे पिताजी मुझे पढ़ाएंगे, तो माय फादर विल टीच मी. सिंपल है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं, बस शैल और विल का इस्तेमाल करना है और वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है इसमें. ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन नोट्स फटाफट देख लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने सेंटेंस लिख रखा है नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन नोट्स के, इसको हम फटाफट बनाते जाते हैं. वह गीत नहीं गाएगा, तो वह गीत नहीं गाएगा मीन्स ही विल नॉट सिंग सॉन्ग. सिंपल है, नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. या हम विल नॉट को हम ओंट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ही ओंट सिंग सॉन्ग. और शैल और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका शंट होता है. क्या तुम बाजार जाओगे, तो विल यू गो टू मार्केट. वह कब आएगा, तो व्हेन विल ही कम. सिंपल है, कोई भी बड़ी बात नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स,
अभी हम इसमें शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं. मैं स्कूल जाऊंगा. तो आई शैल का आई 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 और शैल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है आई विल होगा. शॉर्ट फॉर्म आई विल गो टू स्कूल. इसका नेगेटिव बनाएंगे हम. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो आई शांट गो टू स्कूल. तुम किताब नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट का ऑन्ट यू ऑन्ट रीड बुक. ठीक है फ्रेंड्स. क्या वह नहीं आएगा तो ऑन्ट ही कम. शॉर्ट फॉर्म है. हम बोल चाल में ज्यादातर हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो शैल नॉट आएगा तो हम शांट बोलेंगे और विल नॉट आएगा तो हम ऑन्ट बोलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. और फ्रेंड्स जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद.